लोकसभा चुनाव 2019 की तारीखों का ऐलान हो चुका है। चुनाव आयोग के कार्यक्रम के मुताबिक 7 चरणों में देश भर में लोकसभा चुनाव कराया जाएगा। इस कार्यक्रम के मुताबिक 11 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग होगी। 17वीं लोकसभा के लिए होने वाले चुनाव के नतीजे 23 मई को आएंगे। उत्तर प्रदेश में जहां पर 7 चरणों में वोट डाले जाएंगे, आइए जानते हैं कि किस संसदीय सीट के लिए कब वोट डाले जाएंगे। उत्तर प्रदेश में कुल 80 लोकसभा सीटें हैं, यहां पर 7 चरणों में वोट डाले जाएंगे। पहला चरण 8 सीटों के लिए वोट डाला जाएगा। 11 अप्रैल 2019 सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर। दूसरा चरण 8 सीटों के लिए ही 18 अप्रैल 2019 को नगीना, अमरोहा, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, आगरा, फतेहपुर सीकरी। तीसरा चरण 10 सीटों के लिए 23 अप्रैल 2019 को मुरादाबाद, रामपुर, संभल, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, आंवला, बरेली, पीलीभीत। चौथा चरण 13 सीटों के लिए 29 अप्रैल 2019 शाहजहांपुर, खीरी, हरदोई, मिश्रिख, उन्नाव, फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज, कानपुर, अकबरपुर, जालौन, झांसी, हमीरपुर। पांचवा चरण 14 सीटों के लिए 6 मई 2019 धौरहरा, सीतापुर, मोहनलालगंज, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी, बाराबंकी, फैजाबाद, बहराइच, कैसरगंज, गोंडा। छठा चरण 14 सीटों के लिए 12 मई 2019 को सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, इलाहाबाद, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, मछली शहर, भदोई। सातवां चरण 13 सीटों के लिए 19 मई 2019 महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर, रॉबर्ट्सगंज। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।